और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन को 90 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर अभी भी धरना जारी है और इस धरने के चलते स्थानीय लोगों का जो रोजी रोजगार है वो बाधित हुआ, आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित है और टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव वालों में इस धरने को लेकर के बेहद गुस्सा। हमारे संवाददाता सुमित अवस्थी ने उनसे बातचीत करके उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की है, इस रिपोर्ट को देखिए आप। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर से सटे नीलवाल गांव में मौजूद हैं और पिछले करीब 3 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से नीलवाल गांव जो है वो पूरी तरह से बेहाल है। देखिए, तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, गांव के किसान हैं, लोग हैं जो इस आंदोलन की वजह से जो है परेशानी झेल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ नाम है आपका? मेरा यशपाल सिंह है जी। क्या कुछ दिक्कत हो रही है आप लोग, क्या कुछ समस्या? दिक्कत आप देखिए एक बार, ये हमारे गांव का हाल है। ये दिखाया राकेश टिकैत ने हमारे को, ये दे रहा राकेश टिकैत। आप अपने गांव में जाके क्यों नहीं करते? हमारे को बंधक बना के रख दिया उन्होंने, हम क्या करें? अपने बच्चों को कहां ले जाएं? क्या इस गांव को छोड़ जाएं? आप अपने गांव में बसा लीजिए हमारे को। हमारे गांव का ये हाल है, देखो पूरी तरफ से जाम लगा हुआ है, यहाँ धूल उठती है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्या करें? खेती हम नहीं कर पा रहे। ये जाम की स्थिति कैसे हुई है? जाम की स्थिति है टिकरी बॉर्डर जाम करने के कारण से हुई है, उन्होंने रास्ता ब्लॉक करके रख दिया है हमारा। हम क्या करें? सारा ट्रैफिक इधर से डाइवर्ट हो गया, यहाँ रोड नहीं है, टूटे पड़े हैं सब रोड। वो कर क्या रहे हैं हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। राकेश टिकैत अगर हमारे को मिल गया तो उसकी तैसी की तैसी कर देंगे। राकेश टिकैत मुर्दाबाद, राकेश टिकैत मुर्दाबाद, राकेश टिकैत मुर्दाबाद, राकेश टिकैत मुर्दाबाद। वो कोई अपना अपने बच्चों को तो आगे बढ़ा रहा है और उसके पास इतनी एकड़, हमारे पास एक एकड़ जमीन है, हम क्या करें? वो तो अपनी 300 बीघे जमीन ले बैठा है, उसका बाप भी दलाल था, उसने भी तो पैसे खाए थे किसानों से, हमें भी इतिहास पता है, हमारे भी बाप दादा किसान थे, हम भी किसान हैं। क्यों कर रहा है वो ऐसा? अपने एरिया में जाके करे, हरियाणा में जाके बोलता फसल फूंक दो। क्या उन्होंने अपनी फसल फूंकी है? उसके पास 300 बीघे जमीन है, किसी खेत में आग लगाई है उसने? वो अपनी जो खाप पंचायत वहां की सुन ले ध्यान से, क्या उस खाप पंचायत को नहीं चाहिए कि वो अपनी जमीन को फूके? बिल्कुल, देखिए एक इनकी जो एक और परेशानी जो है वो दिखाना बेहद अहम हो जाता है। देखिए, जो टिकरी बॉर्डर का जो मेन हाईवे है वो बंद है, जिसके चलते नीलवाल गांव के जरिए जो है तमाम ट्रैफिक रूट जो है वो डाइवर्ट हो गया है, जिसके चलते परेशानी जो है वो काफी बढ़ गई है और पॉल्यूशन का भी जो है खतरा लगातार इस गांव पर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन और क्या कुछ परेशानी है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। और क्या कुछ परेशानी है? आज ये है, राकेश टिकैत अपनी मात्र राजनीति कर रहे हैं, 2 बार जमानत जब्त हो चुकी, आगे भी उसकी जमानत जब्त होगी और हमारी मार्केट बहादुरगढ़ लगती है, हम वहां जा नहीं सकते, हम इतने परेशान हो रहे कि कोई सामान नहीं ला सकते, हमारी लड़कियां हमारे बच्चे वहां टिकरी बॉर्डर पर स्कूल में पढ़ नहीं सकते क्योंकि वहां पर डर लगता है। ऐसा बुरा हाल कर रखा है इसने, पूरा बुरा हाल हो रहा है देश। ये तो कह रहे हैं कि हम गर्मी तक रहेंगे और कूलर गर्मी तक नहीं रहेंगे। 10 दिन का अल्टीमेटम है राकेश टिकैत तेरे को, या तो ये रोड खाली होगा नहीं तो यहाँ पे हम भी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, राकेश टिकैत मुर्दाबाद, राकेश टिकैत मुर्दाबाद। हमारे को बंधक क्यों बनाया? हमारी क्या गलती है? हमारे गांव को बंधक क्यों बनाया गया? हमारा शहर खोज लिया, क्या हम बड़ौद जाएंगे सामान लेने के लिए? हमारे शहर को बंधक बना लिया, हमारे गांव को बंधक बना लिया, जितने आसपास के गांव है सभी परेशान हो रहे हैं। क्या कर रहा है राकेश टिकैत? अपने एरिया को ब्लॉक करके दिखाए, अपने भाई बहनों को बाहर नहीं निकलने दे वो घर से। ये कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर इस बार ले जाएंगे, संसद का घेराव। अब की बार 40 लाख नहीं, एक ट्रैक्टर भी नहीं आएगा, एक ट्रैक्टर को भी नहीं आने देंगे दिल्ली के अंदर, घुसने नहीं देंगे एक ट्रैक्टर को दिल्ली में, नहीं घुसने देंगे राकेश टिकैत के। ये हमारा वादा है, राकेश टिकैत को मार देंगे। कोई पुलिस की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टरों ने हम खुद भगाएंगे, ये पक्की गारंटी है, तोड़ देंगे साले के ट्रैक्टर, इन्हें गदर में चल गया। आप क्या कह रहे हैं, क्या कुछ परेशानी हो रही है? परेशानी में तो जी कोई कमी नहीं रही, हम तो बंधक बने हुए हैं, हमारी तो सेंट्रल जेल तिहाड़ से भी ज्यादा जेल यहाँ हो रही है। हम बना दिए बंधक, हमारे बच्चे ना पढ़ सकते ना हम कुछ कर सकते, हमारे को बंधक बनाया गया। हम तो भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट से ये दुआ करते हैं कि हमारे को किसी न किसी तरह ये बंधक से छुटाया जाए। तस्वीर दिखाएंगे आपको कि गांव के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ जुट गए हैं,
क्योंकि गुस्सा इतना है, क्योंकि बंधक जो बना दिया गया है इन तमाम गांवों को, जिसके चलते ये नाराजगी जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। अब आगे का रास्ता क्या, क्योंकि इनका कहना है कि हम बॉर्डर से हटने वाले नहीं है, सरकार लगातार प्रस्ताव भेज रही है, वो मानने को तैयार नहीं। भाई आप नहीं हटते तो हम भी कुछ हम दो बात करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल नरम नरम से कह रहे हैं। अगर या तो खाली कर दे, नहीं तो हम भी तैयार हैं उनके साथ दो दो हाथ करने के लिए। दो हाथ तो फिर टकराव की स्थिति होगी, टकराव की स्थिति तो वो कर ही रहा है, हम तो टकराव की स्थिति 3 महीना। अरे साहब मरना तो है, ऐसे रहेंगे तो वैसे ही मरना है, तो एक बार आमसान हो गए मर लेंगे। ये किसान नहीं है जी, ये अगरवादी है, डकैत है, इन्हें कर रखा है कोई, ये जो भी का पॉलिटिशियन किसान है, उग्रवादी है, सारे किसान तो है नहीं, सारे उग्रवादी है। अब ये कह रहे हैं कि हम तो गर्मी तक रहेंगे और सरकार को लगातार चुनौती देंगे, संसद का घेराव करेंगे। हम इसके खिलाफ हैं और हम संघर्ष करेंगे, हम लट बजाएंगे, हम रोड खाली कराएंगे। तो हमने राय के इस टिकैत को मारना है, हमारे गांव में आएगा तभी मारेंगे, रोहतक रोड पे ठहरेगा वहां मारेंगे, हमारा गांव पूरी तरह। राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं? राकेश टिकैत राजनीति कर रहा है, चोर बाजारी कर रहा है। उसने अपनी फसल तो गन्ने की बेच दी है, 5 स्टेटों में प्रॉपर्टी है। इसके बाप के पास 24 बीघे जमीन थी, आज 300 बीघे जमीन का मालिक बना हुआ है, पेट्रोल पंप है। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने इसके पीछे ईडी लगानी चाहिए, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, तब पता चलेगा ये किसानों के साथ। बिल्कुल नाराजगी सीधे तौर पर देखें, तमाम ताऊ हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कितनी और कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों को। देखो जी, गांव सारा बंधक है, ना बच्चे इस टाइम पर स्कूल में जा सकते, ना कोई हम मार्केट से सामान ला सकते। 5,000 जो दुकानें हैं बहादुरगढ़ सब बंद है, और ये ज्वेलरी की शॉप में गुंडे चाहे ज्वेलरी की शॉप में घुस गए थे बहादुरगढ़ के अंदर। बहन बेटियां नहीं निकल सकती, सारे रास्ते जाम है, कोई भाई ड्यूटी पर टाइम पर नहीं जा सकता, नहीं आ सकता। और ये अपने शाम को अपने सुबह दोपहर में पीने शुरू कर देते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, कहीं कृपान निकाल के भागते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इन्होंने तो बुरा हाल कर रखा है, इसी ऐसा बंधक बना रखा है सारा एरिया, इन्होंने ना जा सकते ना आ सकते। और राकेश टिकैत जहाँ भी खाप पंचायत कर रहा है पैसे उगा के लाता है, इसने प्रॉपर्टी कितनी बना ली, इसके फंडिंग, पास फंडिंग की जो कमी है वो पैसे से काफी जूझ रहा है ये आंदोलन। यहाँ तक की खबर ये है कि अपना हुक्का तक उनको बेचना पड़ा। आप एक बात बताइए हमारे को, पैसे के बगैर अगर आंदोलन जूझ रहा है तो ये सोलर लग रहे हैं, ये एसियां लगवाने की बात कर रहे हैं, ये किसान के घर में एसी है क्या? और ये रोड पे एसी लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो कहाँ से आ रहा है ये सब? आप बताइए मेरे को, ये जो फोटो दिखाए जाते हैं फलाने उसको सर्जिल को वो कर दो या उसको आजाद कर दो वो कर दो, ये आंदोलन है? आंदोलन ऐसे नहीं होते, आंदोलन तो पहले भी हमने बहुत आंदोलन देखे हैं, ऐसे आंदोलन नहीं होते। आंदोलन का रास्ता ये नहीं है क्या? आप तोड़ फोड़ करोगे झंडे का अपमान? सरकार की बात तक नहीं मान रहे हैं, सरकार के प्रस्ताव को बात नहीं मान रहे हैं। पीएम मोदी ने खुद कहा कि एक कॉल की दूरी पर बातचीत हो सकती है, तो इसका मतलब तो ये होगा इस देश में जो ये कहेंगे वही होगा, वही सच है क्या? पूरी जनता ये बेवकूफ है? एक राकेश टिकैत और 35 ये नेता जो है यही सच्चे हैं, बाकी सब बेवकूफ है? सोचना चाहिए हम सरकार के साथ। इस कृषि कानून को कहा जा रहा है कि ये किसान विरोधी है, किसान का डेथ वारंट है। ऐसा है जी, इनको रियल चीज का पता ही नहीं, इनको तो बरगलाया जा रहा है। हम सरकार के साथ है, ये अच्छा कानून है, इसको ले आने के बाद पता लगेगा। या ये तो आरपी और राकेश टिकैत ये राजनीति बना दिया, इसका आंदोलन नहीं रहा है, ये तो आंदोलन का तो रूप बदल दिया इन्होंने। सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या? हम सरकार के साथ है, आगे का रास्ता या अगर या तो गवर्नमेंट इनको उठाए, नहीं तो पूरे जितने हमारे आसपास के गांव है वो सारे के सारे हम भी रोड ब्लॉक करेंगे फिर, क्योंकि हम तो वैसे ही पहले से ही बंधक। संघर्ष की स्थिति, टकराव की लड़ाई होगी ना आपस में, जाट अपने ये किसान आपस में लड़ेंगे और क्या होगा। देखिए सबसे अहम बात है कि ये राकेश टिकैत कहते हैं कि ये जाटों का आंदोलन है, और जाटों का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है, और किसानों का आंदोलन भी नहीं है। ये आंदोलन ऐसे नहीं होते हैं, आंदोलन करने का तरीका अलग होता है। ये खालिस्तान है, ये खालिस्तानी आंदोलन बना रखे हैं। पंजाब वाले तो अपना खालिस्तानी मांग रहे हैं, ये अपने पैसे की उगाही करता जा रहा है, ये आंदोलन नहीं है। आंदोलन भाग रहे ना, गवर्नमेंट इनको जगह दे रही है, आराम से बैठ के करो, आंदोलन करने का हक सभी को है। लेकिन इस देश में दो ही स्टेट है, हरियाणा और यूपी, जो आंदोलन कर रहे हैं, बाकी स्टेट कोई भी नहीं कर रही। इनका क्या खुजली है? क्या टिकैत सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया क्या? प्रधानमंत्री से ऊपर हो गया यही फैसला करे जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया? आपने देखा है प्रधानमंत्री ने खुद बोला है, अपील करी है, कृषि मंत्री ने अपील की है, ये टिकैत सबसे ऊपर हो गया?
ये चीन से ज्यादा हो गया, चीन चीन का भी कुछ गाजर का हलवा पनीर के पकौड़े वहाँ तले जाते हैं तो ये और एसी लग रहे हैं, क्या एक किसान एसी में सोएगा? एक किसान एसी में सोएगा क्या? जूस मैं पी का एक दिन हो बोला कितने का है, मैं कहा मेरा जला है फतेहाबाद हो जूस पिलाओ भाई ने जूस पी लग रहे सारे रन ने बादाम चल रहे हैं, किशमिश चल रही है, सब कुछ वहाँ ड्राई फ्रूट चल रहा है। ऐसे आंदोलन ये हमने आज तक ऐसा आंदोलन नहीं देखा। पहले सतपाल मलिक आया वो किसानों को मरवा गया, उन अपनी चमका ली, अब टकैत भी सोता थोड़ा बहुत मर जाएंगे तू चमक जाएगा। ये यही हरियाणा दिल्ली मिलता है क्या इनको आंदोलन करने के लिए? यूपी में क्यों नहीं करते? इनको पता यूपी आदमी को पता है यहाँ फसला लेते हैं ये हरियाणा को पता नहीं आ जाते। सतपाल मलिक आया उसने भी नहीं यूपी से उठ करता ये आंदोलन यहाँ करते हैं क्योंकि उनके वहाँ की जनता साथ नहीं है, उन जनता को पता चला है आगे चोर है, यहाँ की जनता को भी अब मालूम हो जाएगा अब इनका नहीं होगा। हमारी बोली वाली जनता को ये अपने शासन बरगला कर गलत काम करवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं ये बताइए जो फसल जो अपना बर्बाद कर रहे हैं कुछ किसान, वो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, पैसा दे रहे हैं, पैसा लेकर अगर एक फसल है वो अपने बच्चे की तरह पाली जाती है, जैसे बच्चा है वैसे ही फसल है, कोई अपने बच्चे को मरवा कर राजी है या कोई भी राजी नहीं है। अगर पैसा मिला है इनको फसल बर्बाद करो 50,000 रुपये लो 40,000 रुपये लो, जैसी फसल वैसा पैसा देते हैं, नहीं तो कोई बर्बाद करके दिखाओ बगैर पैसे के नहीं होगा। तो पैसा जो बर्बाद कर रहे हैं पैसा ले रहे हैं, पैसा लेकर फसल बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पैसा लेकर। श्रीमान जी ये आंदोलन है हो चुका है, अब किसान आंदोलन नहीं रहा, ये इसमें दो राजनीति आ गई सारी की सारी। तो ये अपना चेहरा चमका रहे हैं राकेश टिकैत, राकेश टिकैत तो बज्जुबानी पर भी उतर आए हैं, यहाँ तक कि मंत्रियों को भी एक बज्जुबानी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अब एक बात बताइए तो गवर्नमेंट ने देखना चाहिए ना कि ये क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, ये तो बदमाश हो गया। गवर्नमेंट तो इसलिए कह रही है कि किसान का टैग लगा हुआ है इन पे। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी तो हम लोगों को तो उठ के जाना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे को बंधक बना क्यों रखा गया है? हमारी क्या गलती है, हमने क्या फॉल्ट कर दिया ऐसा कि हमारे एरिया में ये काम होगा? दिल्ली के बॉर्डर पर इनको रामलीला ग्राउंड में क्यों नहीं भेजते? गवर्नमेंट का भी तो काम है ये, इनको रामलीला ग्राउंड में बैठाइए, वहां इनको स्टेडियम दीजिए, इनको ये बुराड़ी के पास जगह वहां जगह दीजिए, करो आंदोलन बैठ के, हमें कोई परेशानी नहीं। रोड तो खाली करो, रोड खाली करो, आने जाने की दिक्कत मत है। ये भाई है ड्यूटी अब जाते हैं कई कई घंटे लगते हैं, इनको जगह दी बुराड़ी के पास, वहां क्यों नहीं बैठते? आंदोलन करने का हक है लेकिन अपना सही जगह बैठ कर करिए, औरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए जैसे इन्होंने कर रखा है, ये तो बहुत गलत कर रहा है। तो बिल्कुल, तो ये आपने सुना नीलवाल गांव के जो तमाम किसान हैं लोग हैं वो किस तरह से परेशान हैं, उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए और आंदोलन को खत्म कराना चाहिए, अगर कुछ दिनों में यानी कि 10 दिनों का अल्टीमेटम खासकर इन तमाम गांव वालों ने दे दिया है कि 10 दिनों में ये बॉर्डर अगर खाली नहीं होता है तो फिर हम कुछ करेंगे और इस आंदोलन के खिलाफ हम धरने पर बैठेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया, नीलवाल गांव, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली।